सहित खेलाड़ी मानक सहित आलोचना करुछंती आसंतु देखिबा वाला एक चीज हो गया जो मैं आई थिंक कभी नहीं भूल पाऊंगी। ही इज अ ग्लोबल लीडर, गेटिंग टू मीट हिम इज इनसेन। बट दैट मोमेंट जब बस वो आ रहे हैं, दैट वाज लाइक हार्ट बीट स्टॉप हो जाने वाला मोमेंट था वो। स्वागत है आप सबका। Once he came and sat in front of us, I'm sure सब लोग wonder कर रहे थे, wait, is the same person जो हम TV पे देखते हैं। जब सामने बैठे थे तभी भी धक-धक हो रहा था बहुत। आप लोग एक दूसरे को कभी मिलते हैं या पहली बार मिले? नहीं मिलते हैं हम लोग। मिलते रहते हैं। मतलब आप लोगों का पुराना कारोबार है। तो जब आप आपके इतने बुजुर्ग बैठे हुए थे तो उस समय भी एक ही नहीं होता था। मैं परिचय बता दीजिए भले सबका। नमस्कार सर, मेरा नाम अनिमेश अग्रवाल है, मैं 28 साल का हूँ, मैं गुवाहाटी असम से हूँ। मैं बहुत ही यंग एज में पढ़ाई कर रहा था जब मैं सीए का। कोई यंग एज में पढ़ाई करता है? जी सर, वही मतलब कंपेयर टू कि अभी भी 28 साल का ही मैं खुद को यंग ही मानता हूँ, तो मैं और यंग की बात कर रहा हूँ। तो मैं सीए का पढ़ाई कर रहा था, मैं सीए फाइनल्स तक पहुँचा था और मैं सीएफए और एफआरएम की भी लेवल 1 दे चुका था। मैंने अपने माता पिता से एक साल का ब्रेक मांगा था अपने पढ़ाई से गेमिंग के करियर को परस्यू करने के लिए। जब मैं 2018 में स्टार्ट किया, मैं सोच के पूछा था कि एक साल मैं गेमिंग में पूरा दूंगा और कुछ बनने की कोशिश करूंगा। तो परिवार में क्या रिएक्शन आया? सर क्योंकि मैंने पढ़ाई करके रखी थी और मेरे पास बैकअप बहुत स्ट्रांग था कि गेमिंग में कुछ नहीं कर पाता, वापस जाके पढ़ाई कंटिन्यू कर पाता, तो इसलिए माता पिता हमेशा सपोर्ट किए हैं इस चीज़ को। और सर मेरा गोल यही है कि मैं गेमिंग को इंडिया में आगे बढ़ाऊँ और सपोर्ट जो भी युवा फॉलो कर रहे हैं हम सभी को, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को, उनको करेक्ट डायरेक्शन दिखाऊँ गेमिंग से अच्छा क्या कर सकते हैं और उसी की तरफ काम आगे करने की कोशिश चल रही है। सर मुसीबत ये हो जाएगी कि जब भी आपको ठग बोलेगा किसी को भी तो आप दिखाई देंगे और कोई आपको देखेगा तो कहेगा यार ये तो अच्छे इंसान है, उसको ठग कैसे बोलूं। सर वो चीज़, लेकिन एक भी बच्चे की गेमिंग में थोड़ा नाम बना लिया तो गेमिंग वाले लोग अब ठग से अच्छे नज़र से मुझे देख रहे हैं। ठग से ठग पे देखिए। हाँ, और मैं दुनिया एकदम भी ठगी नहीं कर रहा हूँ सर। मेरा नाम अंशु बिष्ट है, वैसे मेरा गेमिंग नाम गेमर फ्लीट है सर। मैं आता हूँ हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड से। तो मैं सर वैसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे पापा एक प्राइवेट स्कूल में 30 साल तक उनने बस कंडक्टरी करी थी ताकि मैं और मेरी दीदी को वो स्कूल में पढ़ा सकें। मैंने थोड़े ट्यूशन्स पढ़ाने स्टार्ट करे बच्चों को, एक दो जॉब्स ले रही, फिर अपना खुद का कंप्यूटर बनाया एक। सर आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी तो उनका बनता है कि ऐसे सोचना कि आप समझ रहे हो ना कि आपका बच्चा बस कंप्यूटर में बैठ के चिल्ला रहा है दिन भर, क्योंकि सर थोड़ा होता है कि मतलब चिल्लाना इन द सेंस कि मतलब खुश होना, कि तभी लोग देखते तो खुश होते हैं ना कि अरे वाह इसको कितना मजा आ रहा है, तो नहीं मजा आता है। यानी आपको एक्टिंग भी करनी पड़ती है थोड़ी बहुत ताकि व्यूअरशिप बढ़े। तो हाँ सर करनी तो पड़ती है सर। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू क्या है आपको इस दुनिया में? सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू सर कि मतलब अगर आपको पता चल जाए कि आप क्या करना चाहते हो इन दी एंड, सर जैसा आपका है कि आप देश को आगे ले जाना चाहते हो, आप देश को एक स्तर पे ले जाना चाहते हो बहुत, तो वैसे ही मेरा भी था कि मतलब मैं भी कुछ ऐसा करूं कि दुनिया वाह वाह करे। मेरा नाम नमन माथुर है और लोग मुझे मॉटल के नाम से जानते हैं। मैं पला बड़ा मुंबई में ही हूँ, नवी मुंबई में। और जब मैं 4 साल का था मेरे पापा गुजर गए थे, मम्मी ने मुझे और मेरे बड़े भाई को रेस किया, उन्होंने टिफ़िन सर्विस किया, सब कुछ किया। और 2015 में मोबाइल आ गया था हाथ में, तब तो शुरू किया था खेलना। पहले तो स्कूल कॉलेज में दोस्तों से बातें करते करते पता चला होगा मैं गेमिंग में को खुद से वो यूट्यूब देख के आया था। मैंने उल्टा दोस्तों में फैला दिया था कि खेलो मेरे साथ। मैं बीमार हूँ तुम भी हो गए। बस 2015 से लेके 18 तक जब तक मेरा बीकॉम पूरा कम्प्लीट हुआ उतने में मैंने ये फिगर आउट किया कि ये जितने भी फॉरेन यूट्यूबर हैं हम जिन्हें देख रहे हैं इनके कमेंट सेक्शन में सारे इंडियन, यानी ये सब जो दुनिया भर के अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं उनमें भी इंडियन, सारे कमेंट करने वाले इंडियंस हैं। मेजॉरिटी मेरे को जो दिखते थे इंडियन ही दिखते थे और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा कोई वीडियो बनाऊं उनसे इंस्पिरेशन लेके और अपलोड करूं। और मैंने वो वीडियो 2018 में अपलोड किया और वो इंस्टेंटली वही वीडियो जो उस सोच से बना था वायरल हो गया।
उसके बाद मैंने ई-स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट किया इंडिया को, अनिमेश से मिला 2018 में मैं, हम लोगों ने कंपनी भी शुरू की अपनी SATUL। मॉर्टल नाम कैसे रख लिया? भारत में तो लोग इमॉर्टल की बात करते हैं, लोग सब जगह मैं देख रहा हूँ इमॉर्टल नाम रख रहे हैं, तो मैंने बस अच्छा कुछ नया कर मॉर्टल कर दिया उसको। मेरा नाम पायल धर है, सब लोग पायल गेमिंग के नाम से जानते हैं। मैंने इन सब के बाद स्टार्ट किया है एंड मैंने सोचा नहीं था कि मैं इंडिया की लीडिंग फीमेल क्रिएटर बनूंगी। मैं बहुत ही छोटे गांव से हूँ, मैं MP में एक छिंदवाड़ा करके जगह है, इंदौर के पास में है, तो मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। मुझे गेमिंग में इंटरेस्ट था बट घर पर फैसिलिटीज नहीं थी, 12th तक भी हमारे पास घर पर फ़ोन नहीं था खुद का, तो गेमिंग में थोड़ा थोड़ा इधर उधर देखते रहते थे या दोस्त के जो भाई वगैरह है वो कैफेज जाते थे गेम खेलने, तो वहाँ से थोड़ा बहुत नॉलेज आया कि गेमिंग भी कुछ होता है। तभी के टाइम पे यूट्यूब पे गेमिंग पॉपुलर होने लगी थी इंडिया में भी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसको एक ट्राई दूँ और लड़कियों को भी एक ऐसा ऑप्शन मिले कि इसमें भी आप करियर बना सकते हो। लड़कियों का इसमें आना कितना संभावनाएं बढ़ती है? सबसे बड़ी चीज यही है कि पेरेंट्स बहुत घबराते हैं कि बाहर जाके काम ना करें एंड कई फैमिली में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि बच्चियों को मौका नहीं दिया जाता, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेबल करियर ऑप्शन है। एंड जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास भी 100-200 ऐसे लड़कियों के मैसेज आते कि हमने आपको देख के स्टार्ट किया, तो सर थोड़ा घबरा रही हूँ। आप थोड़ी छांक लीजिए फिर बात करते हैं। मेरा नाम मिथिलेश पाटनकर है, मेरा गेमर नेम मिथपैट है। मैंने जो ट्राई किया है कि हमेशा से यूनिक कंटेंट देना है एंड आई थिंक उसी के वजह से लोग मुझे पसंद करते हैं, तो गेमिंग एंटरटेनमेंट मिमिक्री ये सब मिलके मैं बनाता हूँ मेरे वीडियो पूरा सलाड बना देते। मैं चाहता था कि इंडिया से ऐसा कंटेंट मैं बनाऊं जो बाहर के लोग भी देखें, लोग अप्रिशिएट करें। आज से 2 साल पहले एक स्ट्रीमी अवार्ड्स होता है, बोलते हैं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड, सो इंटरनेशनल कैटेगरी में आई वाज द ओनली इंडियन टू गेट नॉमिनेटेड एंड लॉस एंजलिस में अवार्ड होता है, सो आई गॉट दैट अवार्ड एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ एक बहुत प्राउड अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए ये। नमस्कार सर, मेरा नाम तीर्थ मेहता है, मैं भुज कच्छ गुजरात से हूँ और मैं 2014 से हार्स्टोन नाम की एक गेम है उसमें कम्पीट कर रहा हूँ। तो भुज में ये बीमारी कहाँ से आई? सर ये तो ऐसा है ना कि हर कोने कोने में फैली हुई है, अभी तो लोग आपको कच्छ में जानते हैं कि ऐसे कुछ कर रहे हैं आप? हाँ हाँ अभी तो मतलब बहुत सारे लोग लेकर के जाना पड़ता है। नहीं नहीं अभी तो क्या आप मुझे देखिए मेरे पास तो ये है। हाँ मतलब इनिशियली तो किसी को पता नहीं था बट जब से ये मेडल हासिल हुआ है तब से काफ़ी मतलब कहे तो सब पहचानने लगे हैं। हेलो सर, मेरा नाम है गणेश और लोग मेरे को एसके रोसिया से जानते हैं और मैं बैंगलोर से हूँ और मैं एक प्रोफेशनल ई-स्पोर्ट्स एथलीट हूँ, जो मैं जब से कॉलेज में मैं गया दोस्त लोग ने मेरे को गेम को इंट्रोड्यूस किया और जब मैं खेला अचानक से उधर जो भी लोग खेलते हैं उन सबसे अच्छा खेलने लगा, तो मेरे दिमाग में आया कि ये चीज़ मेरे को असली में मज़ा आता है करने में और इस पे मेरे को कुछ बड़ा करना है। मैं जब 17 ईयर ओल्ड था मैं इंडिया को रिप्रेजेंट किया 2017 इंडोनेशिया में, तो जब मेरा सक्सेस मिला और मेरा व्हेन आई कुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा माँ बाप का जो ड्रीम था घर बनाने का वो मैं कराया और दोनों को जॉब से रिटायर कराया और अभी सब रिलेटिव्स बोलती बंद। आई वाज लाइक धक्का हो रहा था पूरा कि क्या बात करूँ उनके सामने, बट आज जब मिला आई जस्ट लाइक जो भी मन में है जो भी मेरा स्टोरी है जो मेरे को जानता है वो सब बोल दिया मैं उनके सामने। एक साथ आप लोग कितने घंटे खेलते हैं कंटिन्यू? आई थिंक ई-स्पोर्ट्स एथलीट जो होते हैं वो दिन के 6-7 घंटे प्रैक्टिस के देंगे क्योंकि वो उनकी पूरी रूटीन होती है, वो दिन में उठने का समय, गेम का समय, डाइट सब कुछ होता है। कंटेंट क्रिएटर्स का सर अगर मैं बताऊँ तो आई थिंक सब लोग ऐसे होते हैं कि इस दिन में 12 घंटे सिर्फ सोच ही रहे हैं और फिर हो सकता है वीडियो बनाने में वो 2 घंटे ही बन गए या फिर वो 10 दिन तक नहीं बने। हमारे देश में क्रिएटिव की दृष्टि से गेम की दुनिया में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? पिछले 2 साल में जो कंटेंट बन रहा है इंडिया में यूट्यूब पे वो बहुत नेक्स्ट लेवल बन रहा है। लाइक सब ऑफकोर्स लोगों के पास फोन्स आ गए हैं, सबके पास अभी इंटरनेट एक्सेस आ गया, तो हम लोग ऐसा नया नया कंटेंट देख रहे हैं इंडिया में जो आई थिंक वर्ल्ड में किसी ने बनाया नहीं है। मैं शौक हो जाता हूँ कि इंडिया में इतना सस्ता है, इतना मतलब अच्छा है। इवन फॉर एग्जाम्पल अगर गेमिंग बाजू में रखें तो एग्जाम्पल यूपीआई भी इट्स ऑल्सो सिस्टम जो बाहर इतना अच्छा नहीं है, मतलब कोई सिस्टम नहीं है जो इंडिया में, इट्स अ ब्लेसिंग। गेमिंग की दुनिया में आज करोड़ों बच्चे हैं, उनको ये मालूम है कि हमारे यहाँ इंटरनेट इतना सस्ता है, उसी के कारण उनके लिए
अपॉर्चुनिटी बनी है, पता है? बिल्कुल पता है, पता है। सर, मैं तो खुद ही मानता हूँ सर की पूछोगे ना, वो सबसे पहले बोलेगा फ्री इंटरनेट। जो भी बैठा है हम सब, हमारी शुरुआत ही ऐसी हुई है सर, जिस तरह से फ्री इंटरनेट, चीपेस्ट इंटरनेट, आई थिंक इंडिया के टॉप 5 चीपेस्ट कंट्रीज में आते हैं। तो सर आज के दिन भारत में 15,000 गेम डेवलपर्स कहे जाते हैं एंड 1400-1500 से ज्यादा गेम स्टूडियोज भी है। सर वैसे तो भारत में अगर आप देखो जो गेमिंग है 5 से 6 साल पहले ही बूम होनी शुरू हुई। 2019 में आई थिंक मैं बोलता हूँ कि गेमिंग काफी स्पीड पकड़ी, रफ्तार पकड़ा, और 2000 सब कुछ मेरे आने के बाद। जी एक ऐसी घटना बताइए किसी के साथ आपको गेमिंग के दरमियान कुछ और आपने कहा और एक स्पार्क कर गया, ऐसा कुछ याद आता है? मेरे तो लाइव चैट में आया था एक लड़का, बोला था कि मेरा ब्रेकअप हो गया, तो मैंने बोला था कोई बात नहीं तेरा भाई तेरे साथ है। देखिए मान लीजिए कि मैं एक बिल्कुल स्टूडेंट हूँ और मुझे कुछ मालूम नहीं है ये गेमिंग की दुनिया क्या है, परसेप्शन का ही मुझे पता है जो ये बच्चे टाइम खराब करते हैं, पता नहीं दिन भर उसी में बैठा रहता है। याद है मैं परीक्षा पे चर्चा कर रहा था तो मैंने ऐसे कहा कि ये कुछ बच्चे ने मुझे उलट पुलट पूछा, मैंने कहा तो ये पबजी वाला लगता है, ये पबजी वाला है क्या? वो तो मोमेंट था जब आपने ये पबजी वाला है बोला था, तो मैं उस समय पबजी में ही रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया को, और मेरे रिलेटिव्स तब मेरे को ऐसे मम्मी को कॉल करके बोल रहे थे कि ये नमन को बोला था क्या, तब मैं इतने उस रिप्रेजेंट कर रहा था तो वो सबको पता था, तो कहीं आपने मुझे तो नहीं बोला, ये डाउट आ गया सबको। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो अननोन है, ऐसी स्थिति में क्या आप लोगों को क्या अनुभव आता है जब बच्चों से बात करते हो, उनके परिवार से बात करते हो? कोई तो माँ बाप की कहते कि तुम बंद करो मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हो। ये तो सर अगर पेरेंट्स मिलते हैं, हमें पेरेंट्स यही बोलते हैं कि हमारे बच्चों को बोलो कि पढ़ाई करे, सिर्फ आपके वीडियो देखते रहते हैं। तो मैं अच्छा फिर वो काम भी आप ही को कहते हैं? बहुत बार न्यूज में देखा है कि पेरेंट्स का क्रेडिट कार्ड यूज करके बच्चों ने गेम्स में इन गेम पैसे होते हैं वो लिया, वो चीज बहुत बड़ी न्यूज हो जाती है, उससे क्या होता है कि फिर हमें भी अफेक्ट हो जाता है। राइट नाउ मेरा एक ही गोल है कि अगर किसी बच्चे को भी ई स्पोर्ट्स एथलीट बनना है या बहुत स्किल लेवल पे टॉप लेवल पे खेलना है, उनको मैं कैसे गाइड करूं, उनका पेरेंट्स को मैं कैसे गाइड करूं, बिकॉज ये अवेयरनेस बहुत कम लोग के पास है। घर में ऐसा लगते हैं जैसे स्पोर्ट्स एक एक्टिविटी जरूरी है या डांसिंग सीखना माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि वो भी एक व्यक्तित्व के विकास का एक हिस्सा है, लेकिन ऐसी चीजों को प्रतिष्ठा मिलने में सदियों की एक पुरुषार्थ रहा है। अगर देखा जाए हमारा देश स्पोर्ट्स में हमेशा बहुत आगे रहा, आज के दिन भारत का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट क्रिकेट है, पर अगर 1983 वाली वर्ल्ड कप नहीं जीती तो मे बी सब लोग उस उतना क्रिकेट में नहीं जाते, और अगर मे बी देश में एक सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े नाम नहीं आते तो सब लोग वो बनना नहीं चाहते। सर गेमिंग 5-6 साल पहले ही शुरू हुआ और आज काफ़ी लोग हैं इंडस्ट्री में, कम्युनिटी में हमारे जैसे गेमर जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट करके नाम कमाया। तो सर आई थिंक आज कोई गेमिंग के लिए अगर ये पूछे कि ये क्यों करना है तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि इसको आप साइड हसल रखें। जो लोग सोचते हैं अनऑर्थोडॉक्स है, बेकार चीज़ है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग अपना, उसको करके आप प्राइम मिनिस्टर, अभी हम लोग प्राइम मिनिस्टर सर के रेजिडेंस में, तो वहाँ तक जाके उनसे बैठ के एक राउंड टेबल में बैठ के उनसे बातें कर सकते हो, तो वो बहुत अनरियल था। और फॉर श्योर लोग अब गेमिंग को एक अलग नज़रिए से देखेंगे कि हाँ ये भी कुछ है और इसमें भी कुछ करा जा सकता है। एज अ गेमर मैं कहूँगा कि ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो PM सर ने मेंशन की कि डाउन द लाइन ग्रो करना है एक इंडस्ट्री को, तो उसमें एक पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। उनका वही पेरेंटल एडवाइस, पेरेंट्स की सपोर्ट करना, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपकी दृष्टि से मुझे बताने जैसी कोई चीज़ आपको लगती है यार, आपको कुछ मन में प्रश्न है तो आप क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी हो सकती है? रेगुलेट शब्द ठीक नहीं होगा, वरना सरकार का स्वभाव होता है हर चीज में हाथ डालना, सरकार का मूल नेचर ये है। अब दो चीजें होती है कि या तो आप उनको दबाने की कोशिश करो या तो कानूनी सारे बंधन लगा करके उनको अलग करो, दूसरा है कि आप चीज को समझो, समझ करके हमारे देश की रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको मॉडिफाई करो, उसको कुछ कानून नियम व्यवस्था के अंदर ढांचा में लाओ, उसकी एक प्रतिष्ठा बढ़ाओ। अगर प्रतिष्ठा बढ़ जाती है तो फिर बुरा करने वालों को बहुत देर लगती है। मेरी तो कोशिश है कि देश की स्थिति इतनी आगे ले जाए हम कि 2047 तक खास करके मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी से सरकार बिल्कुल बाहर निकल जाए,
वरना ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये दो, यहाँ क्यों गया, वहां क्यों गया, उसी में ही जिंदगी फंसी हुई है। सरकार की जरूरत गरीब को होती है, उसको मुसीबत के समय सरकार मिलनी चाहिए। सर आई थिंक एक चीज जो डेफिनेटली करा जा सकता है ईज ऑफ बिजनेस के लिए, सर ई स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई